अक्सर जब भी हमें सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो गले में दर्द भी हो जाता है, गला दुखने लगता है, जुखाम हो जाता है, कभी कभार नाक बंद हो जाती है, सर्दी हो जाती है हमें, या फिर हमें एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मार्केट के अंदर एक ऐसी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जो इन सभी दिक्कतों को दूर करने में काफी कारगर है, और जो मार्केट के अंदर ये फॉर्मुलेशन आती है इसका नाम है कोरेक्स डीएक्स सिरप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। हम बात कर रहे हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ये काम कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से, तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड होता है और क्लोरफेरिनामीन मैलिएट होता है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करेगा। जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है ये कफ सप्रेसेंट का काम करता है, जो कि एक नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है कफ सेंटर में, जो कि एक कफ को प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू। अब बात आती है कि क्लोरफेरिनामीन मैलिएट क्या काम करेगा। ये एक एंटीहिस्टामीन होता है जो कि एक एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में उनसे आराम दिलाने में मदद करता है, जैसे कि स्नीजिंग हो जाती है, रनी नोज हो जाती है, वॉटरी आईज, इचिंग या स्वेलिंग, इन सभी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। अब बात आती है कि आप इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं, तो ये खांसी को दूर करने में मदद करता है, सूखी खांसी या फिर जब हमें कोई आम सर्दी हो जाती है उसको दूर करने में मदद करता है, हमारी नाक ज्यादा बहती है, नाक हमारी जम जाती है, पानी आंखों से ज्यादा आता है, खुजली लगती है, सूजन हो जाती है, छाती में ऐठनपन हो जाता है, कंजेशन सा फील होता है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस मेडिसिन की जो डोज या ड्यूरेशन होती है ये आपका एक डॉक्टर आपको बताएगा, उसके अनुसार आपको इसकी डोज लेनी होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस कफ सिरप के साथ एक कैप भी आता है, कप भी आता है, उसमें आप इसकी डोज को मेजर करेंगे तभी आप अपनी डोज लेंगे। अब बात आती है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी एक्सपोज ना करें, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी है, और इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक बार इसकी बोतल को शेक जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में हमने कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।